हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल। आई एम राहुल सवेरी। दिस इज माय फर्स्ट एवर एक्सूट क्रेट ओपनिंग वीडियो। उसके पहले एक्सूट क्या, मैंने कोई गन की भी क्रेट ओपनिंग नहीं करी है। ये मैं पहली बार खोल रहा हूँ, सो लेट्स सी हाउ इट गोस। इसमें मैंने टोटल 30,000 यूसेज स्पेंड करा है। तुम लोग को प्रॉब्ली थंबनेल और टाइटल देख के पता चल गया होगा। लोग और मेरे काफ़ी फ्रेंड्स पूछ रहे थे कि भाई कार्डेड है क्या है, कार्डेड नहीं है, सारे लेजिट यूसी है, सारे लेजिट पैसे हैं। मेरे को यूसी स्टेशन से बहुत लुक्रेटिव ऑफर्स मिले थे। फर्स्ट टाइम मैंने स्पिन कराया तब मेरे को 8,500 में 140% बोनस, सो अराउंड 11,340 यूसी। सेकेंड टाइम मैंने स्पिन करा तो मेरे को अगेन 8,500 में 200% बोनस, सो 16,200 यूसी। तो मैंने वो एंड्रॉइड में ट्रांसफर कर लिए थे। अब गाइस एक्सूट देखो पहले कैसा है। कि नहीं भाई खतरनाक, ऐसे थोड़ी पागल करके रखा है सबको। अब मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा, अपने क्रेट ओपनिंग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो भाई मैंने विक्टर को लगाया कि भाई कुछ मिल जाए, तो पहले उससे ट्राई करते हैं अपने। सबसे पहले जो मेरे को 11,000 यूसी मिले थे उसकी क्रेट ओपनिंग करेंगे। ऊपर तुम देख सकते हो एट दिस टाइम देर इज़ अराउंड 12,000 यूसी, तो पहले वो देखते हैं। अब मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा और एक्सेट में तुमको कंटर आ जाएगा तो मैं स्पीड अप भी कर दूँगा उसको, ठीक है? सो लेट्स गेट स्टार्टेड। कैन यू बिलीव इन योरसेल्फ एंड गुड लक टू यू। The most dangerous things in the world are often the
ब्यूटीफुल तो है ही, बट एट दिस टाइम आई स्पेंड अराउंड 12,000 यूसी ऑलरेडी. ओके, मेरे को ऐसा था 8,500 में तो मेरे को पक्का मिल जाएगा 100%, बट नहीं मिला. तो अब मैं सोच रहा था कि भाई क्या करूँ, बीजीएमआई वाले ने तो मान लिया मेरे साथ स्कैम. तो मैंने यूसी सेशन में एक और बार स्पिन करा, तो मेरे को 8,500 में 200% बोनस, यानी एकदम मैक्स मिला. सो 16,200 यूसी थे तो ऊपर देख सकते हो. फिर मैंने उससे स्टार्ट करा और भाई मेरे को बहुत कॉइन्स मिले, बहुत. अगर मैं लॉबी नहीं लेता तो मैं इसको लेवल 4 भी कर सकता था. लॉबी भी जो लग रही है उसको मैं बताऊंगा आगे अल्ट्रा एचडी करके. Good luck.
था मेरा लास्ट पे, ठीक है, मैंने पूरे 16,000 इसे स्पेंड कर लिए थे और वो भी मेरे को नहीं मिला है। इसके बाद तो मैं चाहता तो भी नहीं कर पाता बिकॉज आई डेंट हैव द फंड्स एनी वे। ठीक है, तो इसके बाद मैंने सोच लिया कि अब क्या करें भाई, अब 1,000 यूसे तो मेरे को बचाने पड़ेंगे क्योंकि नेक्स्ट सीजन रॉयल पास भी तो लेना है, उसके लिए अलग से थोड़ी डालूंगा फिर वापस। तो फिर मैंने 1,000 यूसे बचा लिए और लास्ट तक मैं ट्राई करता रहा, क्या पता लास्ट में मिल जाए, बट नहीं मिला। तो फिर मैंने बोला ठीक है, तो मेरे को अराउंड 1,700 कॉइन्स हो गए थे, तो फिर मैंने रिडीम कर लिया उसको सिंपली। एक और चीज़, एक्सोड में जो स्पेक्टेकुलर अराइवल है वो सिर्फ लॉबी में नहीं बट स्पॉन आइलैंड पे जब 5 सेकंड का काउंटडाउन स्टार्ट होता है तब भी वो एनिमेशन प्ले होगा ये वाला। और एलिमिनेशन ब्रॉडकास्ट तो है ही खतरनाक एकदम। तो अब चलो गाइस रिडीम कर लेते हैं इसको, फाइनली 30,000 यूसी के बाद इसके बाद भी रिडीम करना पड़ा मेरे को। वो अपग्रेड करने से पहले तो देखते हैं, ये लगता तो है भाई खतरनाक, कुछ भी बोलो है तो जोरदार। ये करते हैं, चलो अपग्रेड करते हैं अब इसको, लेवल 2 तो इजीली हो जाएगा लेवल 2। अब लेवल 3 के लिए कॉइंस देखने पड़ेंगे एक बार, मेरे पे कितने बचे, अराउंड 1,700 to 1,000 इसमें स्पेंड करता हूँ, 700 कॉइंस हो रहे मेरे पे इसमें नहीं, डायरेक्ट मैं शॉप पे जाके खुद से लेता हूँ क्योंकि टेम्पररी पे डिस्काउंट है, कीप दैट इन माइंड। ओके, टेम्पररी वाला लेता हूँ मैं, एक सिल्वर वाला स्टार फोर्ज वो लेता हूँ। येल्लो वाले कितने थे, येल्लो वाले देखना पड़ेगा वापस, येल्लो वाले चाहिए 31। ओके, 31 स्पेंड करने के बाद भी मेरे पास 503 बचे थे, सो बेयरली मेरे को लॉबी मिली और जो मजा आ गया मेरे को, मैंने सबसे पहले लॉबी ही लिया और कुछ सोचा ही नहीं। लेवल 4 इसको अगला एक्सूट आएगा तब उसकी ओपनिंग है और उसमें से मटेरियल्स लेके इसमें लगा, तो मैंने लेवल 3 तो मैंने कर लिया, अब लेवल 4 तो इसको बाद में करता हूँ मैं। लॉबी देखो तो है कि नहीं खतरनाक, इसलिए मैंने 500 कॉइन्स इसमें डाला है। इसमें बाय द वे पीछे व्हेल भी जाती है, व्हेल भी वो पानी में से जाती है, जोरदार है लॉबी एकदम। इसको इसमें देखते हैं अपने अल्ट्रा एचडी में, अल्ट्रा एचडी अल्ट्रा। ओके, ये भाई एक्सूट तो क्या लग रहा है, लॉबी भी देखो, रुक जाओ इसका हेलमेट वगैरह देखते हैं। इसका लेवल 2 वाला, ये वाला भी इस पर सूट तो करता है बट पैर नहीं तोड़नी यार, ये तो अलग ही है, यही है हेलमेट तो भाई लेवल 3 का खतरनाक एकदम। बैकपैक भी जोरदार है इसका, लेवल 2 पहले लेवल 3 ऐसा लग रहा था बट लेवल 3 तो अलग ही एकदम खतरनाक, बढ़िया है भाई बैकपैक भी। भाई लॉबी वॉबी भी जो खतरनाक लग रही है मेरे को, जोरदार एकदम। बाय द वे इसमें वॉइस पैक भी था, वो मैंने रिडीम कर लिया था, रिकॉर्ड करना भूल गया था मैं, बट मैं बता देता हूँ तुमको फिर भी, और इसका एक दो वॉइस भी सुना दूंगा तुमको तो तुमको पता चले कैसा है। Enemy. In battle, don't let your emotions control you. The depths of the ocean can be both beautiful and terrifying. मुझे तो भाई beautiful ही लगी थी। The ocean can be both gentle and ruthless. We all have a dark side that's always part of us, but we can control it. तो भाई ये था voice pack भी बढ़िया एकदम, इसका आवाज़ ही एकदम अलग है, स्वीट एकदम। तो गाइस आज की वीडियो में बस इतना ही, अब पूरी क्रिएट ओपनिंग तो कर ली मैंने, सब मिल गया मेरे को सब A to Z। और गाइस पैसे तो इसमें डेफिनेटली लग गया बट मज़ा भी बहुत आया मेरे को, सही बता रहा हूँ। और लॉबी और एक्सोड देख के आई थिंक इट्स वर्थ इट। इफ़ एनीवन वुड लाइक टू स्पॉन्सर फॉर लेवल 4 एक्सोड देन काइंडली कॉन्टेक्ट मी, माई गूगल पे नंबर इज इन माई चैनल डिस्क्रिप्शन। If you like the video, please like, share and subscribe. Stay tuned for future videos and bye-bye.